साक्षी लगाने जमघटको गर्दैछु। त्यो कोटि ओमको सफलताको कुरा गर्नै पर्दैन, यति धेरै संख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थिति देख्न पाइएको छ। हरेक दिन सबै आफ्नो आस्थाको स्वरूप हाम्रो पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा उपस्थित भएर यो उत्सवलाई महाउत्सवको रूपमा परिणत गरिराख्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ हामी यही क्रममा यहाँ सामु यही 25 गतेबाट नेपाली चलचित्र नम्बरी सुन नेपालको हरेक सिनेमा घरहरूमा लाग्दैछ। र यो सिनेमा हेर्न आउने दर्शकहरूले चाहिँ हाम्रो प्रड्युसर साहबले भन्नुभए अनुसार 12 जना लकी दर्शकले सुन पनि पाउनुहुन्छ। सिनेमा पनि हेर्नुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस् र सुन उपहार पनि लिएर जानुहोस् भनेर यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Gurito, the best consultancy to study in Canada from Nepal. Radha Sarvishnu Bhagavan ko, Ananda Kunda Bhagavan ko, Rashtrapati Pasupatinath ko, Vaidik Shakti Sanatan Dharma ko, Jai Jai Ho. Adi Adika Dharma, Kodaya Manishini Tamasya Gari Ho. मानव सेवा फाउन्डेसनद्वारा आयोजित यो ऐतिहासिक पोटि होममा पालु हुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू, विश्वविख्यात कथावाचक बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्णमूर्ति महाराज, अयोध्याका उत्तराधिकारी गुरु महाराज, राम कथा वाचिका चन्द्रकला सतीजू र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म कलाकार सरोज खनालको हार्दिक नमन टक्र्याउँछु, अर्पण गर्नुहोला। हुन त हामी त्यहाँ एउटा भक्तिभावले कथा वाचन गुरुहरूको आशिष दिन उपस्थित भएका हौ, र पनि हामी एउटा सूचना यस महाउत्सवमा एउटा सूचना प्रवाह गर्न भनेर उपस्थित भएका छौँ। यही साउन 25 गतेदेखि नेपालका सम्पूर्ण चलचित्र भवनहरूमा नारायण खातीजूले बनाउनु भएको, राजु गिरीले निर्देशन गर्नुभएको गौरव पहाडी म लगायत सम्पूर्ण कलाकारहरूले अभिनय गरेको चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ। यो चलचित्र विशेष गरी त्यो तिजको माहौलमा प्रस्तुत हुँदैछ, किनभनेदेखि यस चलचित्रको हेर्न आउने हुने दर्शकहरूमध्येबाट 12 जना दर्शकहरूले जो भाग्यमानी दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुनको माला, चन्द्रहार जित्नु सक्नुहुन्छ। हालसम्म हामीले स्वयं चलचित्रहरूमा अभिनय गऱ्यौँ, यहाँले सिर्फ टिकट काटेर दिने काम गर्नुभयो, योपल्ट हामीहरू तपाईँहरूलाई उल्टो उपहार दिने जमर्को गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ यो तिजको माहौलमा तपाईँको माइतीको तरफबाट यो उपहार स्वीकार्नु हुन अनुरोध गर्छु। आएर टिकट काट्नुहोस् र त्यो टिकटबाट हामी लकी ड्र निकाल्छौँ। 12 जनालाई छ मोतीको चन्द्रहार अर्पण गर्छु। मलाई विश्वास छ यहाँले साथ दिनुहुन्छ, आँसुमा साथ दिनुभएको छ। चलचित्रको नाम नम्बरी सुन हो। साउन 25 गतेबाट नेपाल अधिराज्यभरि प्रस्तुत प्रदर्शन हुँदैछ। आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको थिएटरमा गएर यो चलचित्र हेरेर नेपाली धर्म संस्कृतिलाई जसरी जगेर्ना गर्नुभएको छ त्यसरी नेपाली चलचित्रलाई पनि जगेर्ना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
भगवान की पावन कृपा, पशु बद्रीनाथ भगवान की पावन कृपा से आज आप सभी के बीच में आकर के आप सबका दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंचस्थ सभी विद्वानों को, सभी आचार्यों को, सभी गुरुजनों को, आप सभी संतों को बारंबार नमन। आप सभी के चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर रखता हुआ अपने आप को कृतार्थ करता है आप सबके चरण रज से। आप सब उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। हजूर हरु हरामई हनुहंस, आप सब ठीक हैं? आप सबके घर परिवार में सब आनंद है? चलो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आप सबके घर में यूं ही आनंद बरसता रहे। आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहे, सदा आप सुखी और स्वस्थ रहे। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है आज हम सब यहाँ मिले। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है, यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपालवासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी नेपाल वासियों को, क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दास को यहाँ आने का अवसर दिया। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प लिया और आप सब हम सब जुड़ पाए इस सुंदर से संकल्प से, एक बार सुंदर तालियां आयोजनकर्ता समिति पूज्य महाराज श्री के लिए। पूज्य श्री चैतन्य कृष्ण महाराज जी यहाँ पधारे और आप सभी के श्री चरणों में दास का पुनः कोटि